दोस्तों, आज हम नंबर ऑफ़ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। अब अगर हम कोई ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट ले लें तो बी की पावर ए इज इक्वल्स टू एफ सच दैट एफ ए टू बी, ये हमारा नोटेशन है, नोटेशन है ऑल फंक्शंस का। इस सेट में ए से बी पे जितने भी फंक्शन पॉसिबल हैं वो सारे ही इसमें मौजूद हैं, ठीक है। ये कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। अब हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ़ फंक्शंस कैसे काउंट करते हैं, यानी जो भी फंक्शन पॉसिबल होंगे वो इसमें आएंगे। ये नोटेशन इसलिए इस तरह से लिखते हैं कि अभी आपको बाद में पता चल जाएगा। जैसे मैं अगर कोई सेट ले रहा हूँ ये ए, और यहाँ पे एक सेट ले रहा हूँ मैं बी, इसकी कार्डिलिटी मैं मान लेता हूँ, कार्डिलिटी या ऑर्डर कह देते हैं, कार्डिलिटी इसकी मैं मान लेता हूँ कितनी है एम, और इसकी कार्डिलिटी मान लेता हूँ एन। यहाँ पे हम एलिमेंट कुछ इस तरह से डिनोट कर देते हैं, कहाँ तक जाएंगे ये ए एन तक, और सॉरी ए एम तक, और यहाँ पे हम बी वन बी टू डैश 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 बी एन तक, ठीक है। अब काउंटिंग करते कैसे हैं कि यहाँ पे ये एक एलिमेंट ए है, इसके लिए कितनी चॉइस हैं कि ये कहाँ कहाँ मैप कर सकता है, एन चॉइस हैं, यानी इस बी ये ए वन जो है वो बी वन पे भी मैप कर सकता है, बी टू पे भी मैप कर सकता है, बी थ्री पे भी मैप कर सकता है, और इस तरह से बी एन पे भी मैप कर सकता है। तो पहले वाले के लिए कितनी चॉइस हो गई, एन चॉइस हो गई। अब ए टू के लिए कितनी चॉइस हैं, बी वन पे भी मैप कर सकता है, बी टू पे भी मैप कर सकता है, बी एन पे भी मैप कर सकता है, तो इसके पास भी एन चॉइस हैं, क्योंकि ये वन वन ऑन टू नेस की यहाँ पर कोई बात हो नहीं रही, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस की बात हो रही है, तो हम इस तरह से कर लेते हैं। अब चूंकि फंक्शन की डेफिनेशन यही है कि इसमें जो ए सेट है, डोमेन जो है, उसके हर एक एलिमेंट्स के लिए इमेज होना चाहिए, तो इस तरह से ये हमारा एम एलिमेंट्स तक, यानी जितने भी एम एलिमेंट्स हैं, यानी ए एम के लिए भी हमारी कितनी चॉइस आएंगी एन, तो ये हमारे कितने आ गए एम टाइम्स, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एन इंटू एन इंटू एन इंटू एम टाइम्स, तो इसको लिखते हैं हम एन की पावर एम। दिस इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ बी इज की पावर ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि अगर कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस ये है जो है, यानी ए से बी पे जितने पॉसिबल फंक्शंस होंगे वो कितने होंगे, एन की पावर एम होंगे। अब यहाँ पर समझ गए होंगे कि बी की पावर ए क्यों लिखा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ फंक्शंस जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे इसमें मौजूद हैं। अब वो सारे इसमें मौजूद हैं तो इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे वहीं इसके फंक्शंस होंगे ए और बी के बीच में, तो इसकी कार्डिलिटी यानी इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम किस तरह से डिनोट कर देते हैं, कार्डिलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिलिटी ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कहें या कार्डिलिटी कहें सेम सेम बात है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बी की पावर ए से डिनोट करते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।